आभा, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। ये लोग यहाँ खड़े खड़े घटिया बातें कर रहे हैं और आप आभा पे इल्जाम लगा रही हैं। माँ को क्यों कह रहे हो करण? माँ तो सिर्फ इतना कह रही है ना कि आभा को ख्याल रखना चाहिए था। तो आपके हिसाब से आभा ने ध्यान नहीं रखा? करण, करण तुम भी एक पिता हो, एक बच्चे की अहमियत तुम समझ सकते हो। और मेरा बेटा तो सिर्फ 3 दिन का है। आपका बेटा? आपका बेटा मेरा कुछ नहीं लगता, आभा का और विमल भैया का कुछ नहीं लगता, राइट? सही कहा आपने, मैं भी एक बाप हूं और मैं बाप आपसे पहले बना था, इसलिए बच्चों के बारे में शायद मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अब हंस क्यों रही है? अब क्योंकि हम उज्जैन जा रहे हैं ना, इसलिए, और वहां पे हम अपने भैया और बहन से मिलेंगे, और आप भी तो हमारे साथ जा रहे हो, आप चलोगे ना हमारे साथ? आपको पता है वहाँ पे अश्मी है, पावनी है और एक नया छोटा बेबी भी है, आप उसे मिलोगे ना, उसके साथ खेलेंगे, ठीक है? देखो हम नए छोटे बेबी के लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं, तो हम ही उस बेबी को देंगे, आप दोगे ना उसे? और हम तन्वी के लिए क्या लाए हैं? ये तन्वी के लिए। कैसी है ये? मेरे लिए है। आपके लिए है? अच्छी है, चलो गुड। अभी हम इसको बेबी के गिफ्ट के साथ रख देते हैं, आपको वहां जाके पहनाएंगे, ठीक है? और वहां तो आभा आंटी भी बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएगी। आपको आभा आंटी अच्छी लगती है ना? चलो अब जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश कर लो, ठीक है? चल चलो अब हम जल्दी से होमवर्क फिनिश करेंगे, ठीक है? अरे हाँ, जूस, आपको जूस पीना था ना? I love you, mommy. I love you too. चलो फिनिश। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रतिभा? और ये क्या महफूज लगा रखा है? ये मेरा घर है, और जिस तरह हर बच्चा इस घर में महफूज रहा है, ये पोता भी इस घर में महफूज रहेगा। कैसे सोच रहे कि आभा इस बच्चे को दुख पहुंचाएगी? क्या तुम भूल गई कि आभा ने अश्मी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है? ये हर इंसान यह जानता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? और आपने तो देखा है, आप तो जानती हैं। मेरे मन में कड़वाहट होने के बावजूद आभा ने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार किया। उसकी देखभाल की। और वो आभा प्रियंका के बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत करेगी, आपने ये सोच में कैसे लिया माँ? मुझे तो हैरानी हो रही है, लोग इस सोच पर जो खुद तो गंदा सोचते ही हैं, लेकिन दूसरों के दिमाग में भी जहर भर रहा है और आप इस सबकी बातें सुन रही हैं। हाँ माँ, शैली बिल्कुल ठीक कह रही है। और वीर तू? तुझे क्या हो गया है? ये लोग तो बाहर वाले पता नहीं पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, पर तू तो इस घर में पला बढ़ा है ना, पढ़ा लिखा ना तू?
आज तक इस घर में कभी भेदभाव नहीं हुआ। बचपन में हमारे बीच में, कनिका के बीच में आज तक भेदभाव नहीं हुआ। फिर तू इन लोगों की बातों में आकर क्या बातें बना? बाहर वालों को दोष देने का क्या फायदा? जब हमारा परिवार ही ऐसे बोल रहा है तो बाहर वाले आके इसका फायदा तो उठाएंगे ही। मैं औरतों के मामले में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता प्रतिभा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में मैं सबसे बड़ा सदस्य हूं और इस घर में ये दोबारा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? आप निश्चिंत रहिए, हमारा पोता स्वर्ण भवन में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप अगर तैयार है तो चलें। जी वो आपका ब्रोच? हाँ वो ड्रॉअर में था। हम जानते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के आपका ड्रॉअर नहीं खोला, कहीं आपको बुरा ना लगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस सब हम ही गलत समझ रहे हैं। क्या हम ऐसे इतने बुरे हैं हम, या फिर इतने सालों में हमें कोई समझ ही नहीं पाया? हम भी तो माँ है, हमारी भी तो बच्ची है, और कोई भी माँ किसी भी बच्चे को तकलीफ में दुख में नहीं देख सकती। और वो तो हमारा भतीजा है, हम चाची है उसकी। अपना सारा दुख दर्द भुला के प्रियंका भाभी के बेटे के स्वागत की तैयारियां की हमने, आपने भी देखा ना, फिर भी हम ही पर इल्जाम। तुम्हारा मन साफ है, मैं जानता हूं तुम्हारा मन साफ है, तुम जानती हो, तुम्हारा भगवान जानता है। फिर तुम किस बात का बुरा लगा रही हो? उन लोगों की बातों का जिनकी सोच इतनी छोटी है कि वो आज भी ये मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की में कोई फर्क है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग महावीर भैया और प्रियंका भाभी हैं। और ठीक है, अगर उनकी सोच इतनी छोटी और इतनी ऊंची हो गई है कि वो अपनों का प्यार नहीं समझ पा रहे और उन्हें ये बात रियलाइज नहीं हो रही कि उन्होंने कैसे बिहेव किया है और क्या कहा है, तो रहने दो उनको उस सोच में। दुख उनकी सोच का है, और अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता ना, हमें भी कोई जरूरत नहीं है अपने भतीजे के साथ खेलने की। अब क्या कह रहे करें? इस समय उस छोटे छोटे से बच्चे का क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर बार मेरी पत्नी अपमान का घूंट पी के अपना फर्ज निभाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तुम्हें मेरी कसम आभा, ये सब क्या हो रहा है? कर जितना हम इस परिवार को अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही हमारा परिवार बिगड़ता जा रहा है। दाईजा हम जा रहे हैं, आप घर का ख्याल। ये तुम्हें मुझसे कहने की जरूरत नहीं है बहू, मुझे घर की चिंता है। बात अगर हिफाजत की ही हो रही है तो ये जो तुमने खानदानी गहने पहने हैं ना,
उनके बारे में सोचो। मैं तो चाहूंगी कि इन्हें तुम यहीं रख के जाओ। अब लेकिन ये गहने तो हमारी माँ। बेटा, कोयल भी अपने सारे गहने मेरे पास ही रखती थी, और वो भी कौन दाईजा? चलें। जी वो दाईजा कह रही है कि हम अपने सारे गहने सफर में इतने भारी गहने पहनकर जाना ठीक नहीं है बेटा, इसीलिए कह रही थी। अब बहू अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं। दाईजा ठीक कह रही है, कुछ काम की वजह से वो हमारे साथ नहीं चल पा रही है, लेकिन कल उज्जैन आने से पहले वो इन गहनों को सेफली लॉकर में रख देगी। कैसे हो राज? लता, श्याम, आभा करण को भेजना जल्दी से। कैसा रहा सफर? जी ठीक रहा। प्रियंका और बच्चा कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं, अभी सो रहे हैं। हाय राज, कैसे हो? बढ़िया दीदी। हाय बेटा, हाउ आर यू? कैसी हो? कैसा है आप? बहुत बढ़िया। अरे कैसे हो आप? ठीक हो, तुम कैसे हो? आप आंटी, मुझे न्यू बेबी के पास लेके जाओ ना, मैं दूर से ही देखूंगी। आंटी ने कहा ना, बेबी सो रहा है। आप हम ये हम कुछ तोहफे लाए थे बच्चे के लिए। हाँ लाइए ना, ये लीजिए माँ, आप ही दे दीजिएगा अपने पोते को। हमने सोचा था हम जब शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाएंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, सबसे मिलेंगे, प्रकाश भैया, कनिका भाभी, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हालात इस तरह से बदल जाएंगे। आप हमने भी यही सोचा था दीदी, आपकी शादी तो बहुत जल्दी में हो, कम से कम आपकी पगफेरे की रस्म तो हम धूमधाम से मनाएंगे। काश काश पिताजी, प्रकाश भैया, कनिका सब साथ होते। तूने प्रकाश भैया से बात की? समझाने की कोशिश की उन्हें? आभा चलो हम अभी पिताजी को लेके घर चलते हैं, कम से कम प्रकाश भैया को एहसास। काश ऐसा हो पाता दीदी, पर दीदी प्रकाश भैया हमारी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम तो थक गए हैं भैया के मुंह से अपने पिताजी के बारे में इतना अपमान सुनते सुनते। कनिका जी सर, आप आराम से चलाइए। मैं आज बहुत खुश हूँ प्रकाश। व्यापारी की बातों से तो लग रहा था कि उसे हमारे डिजाइन काफी पसंद आए हैं। श्रीधर, बस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो बात बन जाए। कनिका जी क्या कर रही हैं? थोड़ा आराम से चलाइए, मार्केट वाला एरिया है। अरे वाह, तो गुब्बारे हम पावनी के लिए ले लेते हैं। थोड़ा बचकर। हाँ प्रकाश, डरो मत, बोल रही हूँ ना। कैसे दिए भाई? श्रीधर, श्रीधर, श्रीधर ठीक तो ना? ए बुड्ढे, दिखाई नहीं देता है क्या? आंखें नहीं है?
ये बूढ़े हैं लेकिन आप तो जवान हैं। आपकी आंखों को क्या हुआ है? लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा क्या होती है ये आप जानती हैं ना कनिका प्रकाश? पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? बहू है आपकी? बहू? कौन बहू और कौन बेटा? शायद तुम भूल रहे हो प्रकाश ठाकुर कि तुमने अपने पिता से पिता होने का हक छीन लिया है। अब हमारा न कोई बेटा है न कोई बहू है। ठाकुर उदय प्रताप सिंह की अब केवल दो बेटियां हैं स्वर्ण लता और स्वर्ण आभा। रिश्तों की दुहाई देने से पहले रिश्तों को समझना जरूरी होता है। प्रकाश भैया। नमस्ते जीजा जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे, आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी हो कनिका? मैं अच्छी हूँ। आज माँ के जाने के बाद पहली बार किसी के अपने होने का एहसास हो रहा है। कितने प्यार से आप और जीजा जी हमें यहाँ मिलने आए हैं। ना पता नहीं माँ के जाने के बाद आभा को क्या हो गया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों वो कनिका जी को हर बात पे गलत साबित करना चाहती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो हमारे गृहस्थ जीवन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। प्रकाश भैया, ऐसी बात नहीं है। आज हमारे घर में जो भी मतभेद है, जो भी गलत फहमियां हैं, उन्हें मिटाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं ना। हमें मालूम है तुमसे जो हुआ वो गलत था, लेकिन गलतियां किससे नहीं होती। लेकिन उनका इल्जाम बड़ों पे डालकर और उनसे बदतमीजी से बात करने से अच्छा है हम अपनी गलतियां मानकर माफी मांग ले, है ना? दीदी, मुझे लगता था कि कम से कम आप हमें समझती, लेकिन लगता है आभा ने आपके भी कान भर दिए। अगर हमें पता होता कि हमें फिर जलील करने और झूठा ठहराने के लिए यहां बुलाया जा रहा है तो हम यहां कभी नहीं आते। चलिए कनिका जी। एक मिनट प्रकाश, एक मिनट। ऐसा मत सोचो प्रकाश, हम यहां मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना मैंने आभा जी और ठाकुर साहब को जाना है, पराया होकर भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो ऐसा कभी कर नहीं सकते, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। और तुम तो उनके बेटे हो, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? राजे, बेटा तुम रहने दो, मैं समझाती हूँ। कनिका बेटा, ऐसी बातों को गर्म दिमाग से नहीं सुलझाया जाता। सच क्या है, सही गलत क्या है, इसका फैसला ठंडे दिमाग से किया जाए तो ही अच्छा होता है। शायद आप ठीक कह रही हैं। आपकी बात शायद ये दोनों समझ पाए। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चलो प्रकाश यहां से। देखो बेटा, मेरी बात मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन तो सकती हो ना। आओ मेरे साथ। शादी ब्याह तो बेटा किस्मत की बात होती है। हम लता की शादी इतने बड़े घर में हुई, ये उसकी किस्मत। लेकिन अगर तुम्हारी शादी छोटे घर में हुई है तो एडजस्ट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अपनी नंदों से प्यार, उनका सम्मान
अपने ससुर की सेवा अगर तुम नहीं कर सकती हो तो बेटा तुम किस काम की बहू हो उस घर की। देखो कनिका, तुम्हारा अपना भाई करण वो भी तुमसे इसी बात के लिए नाराज है। तुम्हारी दोनों नंदें तुमसे खुश नहीं है, और तो और तुम्हारे ससुर को घर छोड़ के जाना पड़ा। तो बेटा इसमें कहीं ना कहीं गलती तो तुम्हारी ही रही होगी ना। देखो कनिका, एक लड़की केवल पत्नी नहीं होती, वो किसी खानदान की कुलवधु भी होती है। और अगर वो लड़की कुलवधु ना बन पाए तो वो पत्नी बनने के योग्य भी नहीं होती। बेटा तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हम जितनी कोशिश कर रहे हैं परिवार को एक करने की, हमारा परिवार उतना ही बिखरता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी कुछ करिए प्रभु। हाँ भाई, प्रभु तो यही कहेंगे कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, दूसरों की चिंता में तुमने कुछ खाया पिया नहीं, दूध पियो। कर कनिका, कनिका तुम इस वक्त, और प्रकाश भी नहीं आए। क्या हुआ? काम करके मरी जा रही। कहाँ रुपया बिल? अगर दूध का बिल नहीं मिला तो वो मुआ जितना कहेगा उतने पैसे देने पड़ेंगे। अरे कनिका, कैसे रही राज्य के यहाँ दावत? और प्रकाश कहाँ है? किस बात की दावत मामी? चली कटी सुनाने के लिए बुलाया था हमें वहां पे। मुझे लगता था कि कम से कम लता दीदी हैं जो हमें समझती है, लेकिन नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने भी बाकियों की तरह वही घटिया हरकत की। अच्छा हुआ मैं नहीं गई, वरना मुझे भी खाली पेट आना पड़ता। कहाँ रख दिया दूध का बिल? भगवान, पता नहीं कहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया मैंने बिल? ये तो आभा ने दिया था। हो ना हो, जरूर इसमें कनिका के बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा। कहीं प्रकाश के हाथों लग गया तो कनिका से जो मेरा फायदा होता है वो भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
मैं रिस्क नहीं ले सकती। देख तो लूं एक बार है क्या। आ गया मुआ दूध वाला। हम जानते हैं ये रिपोर्ट देखकर आपको बहुत दुख होगा, लेकिन कनिका ने पिताजी पर जो इल्जाम लगाया है उसके चलते ये सच आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते आपके दिल में पिताजी के लिए और नफरत बढ़े, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं है। जो किया है कनिका ने अपनी मर्जी से किया है। पूरा विश्वास हो जाए, उसके लिए डॉक्टर की रिपोर्ट भी आपके लिए भेज रहे हैं। आप चाहें तो उस डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। आपकी बहन आभा। शर्मा जी, मैं कनिका प्रसाद ठाकुर का हस्बैंड बोल रहा हूं। क्या वो कुछ दिन पहले आपके पास आई थी? जी हाँ, आपकी पत्नी यहाँ आई थी और वो कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अबॉर्शन करवाया। आप सही कह रही हैं। आपको यकीन है अपनी रिपोर्ट पर? मुझे पूरा यकीन है अपनी रिपोर्ट पे। आपका मतलब ये बच्चा उनके गिरने से नहीं मरा? बिल्कुल नहीं। हमारे पास सारी डिटेल्स, सारी रिपोर्ट्स हैं, जिसपे मिसेस कनिका के साइन भी हैं। शुक्रिया। तुम्हारी वजह से हमने अपने देवता समान पिता को उन्हीं के घर से बेघर कर दिया। अपनी बहनों, अपने बहनोइयों की इतनी बेइज्जती की। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? प्रकाश, क्यों किया ऐसा तुमने? जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें आज। हट जाइए, हट जाइए। सारी दुनिया से लड़े हम तुम्हारे लिए, अपने सारे रिश्ते नाते खो दिए हमने, और आज तुमने हमें अपनी नजर का भी नहीं छोड़ा। क्या पागल हो गए हो क्या? हट जाइए आप। ऐसे बात नहीं कर रहे हो। आप छोड़ दीजिए। पागल हो गए हो क्या? क्या निकाल? पागल। पापा, पापा देखा आपने? ये आभा ने खत लिखकर प्रकाश को कहा है। मुझे बदनाम करना चाहती है। अपने पाप की इज्जत बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पापा, देखो ना क्या कर रही है लोग मेरे साथ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।